हेलो फ्रेंड्स, आज मैं साग बनाने जा रही हूँ। साग बनाने के लिए मैंने लिया है सरसों, सरसों के पत्ते, बेथुआ और मैंने लिया है मेथी, सोवा और धनिया के पत्ते। आप लोग जब भी साग बनाइएगा तो उसमें मेथी, सोवा और धनिया के पत्ते ज़रूर डालिएगा। इससे साग में स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, साग में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जिसके आँखों में दिक्कत है वो इसका सेवन ज़रूर करें, क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो जिसके भी पैरों में दिक्कत है, पैर दर्द होता है, घुटने दर्द होते हैं, तो आप साग ज़रूर खाइए फ्रेंड्स। और साग में आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जब भी आप साग बनाइए तो उसे लोहे के कढ़ाई में, मैंने लोहे के कढ़ाई में इसे साग को निकाल के मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। फ्रेंड्स, मैंने लोहे के कढ़ाई में साग को उबाला है। साग को आप धुल के काट लेंगे, उसके बाद में साग को इसमें लोहे के कढ़ाई में आप डाल देंगे और उसको पकने देंगे। 45 मिनट तक वैसे पकाएंगे, जब उसमें का पानी सूख जाएगा उसके बाद इसमें से निकाल लेंगे। लोहे के कढ़ाई में से हम उसको इस कढ़ाई में, कोई दूसरे बर्तन में आप भगोना हुआ उसमें आप डाल के तड़का लगा दीजिए साग को। क्योंकि अगर फ्रेंड्स आप लोहे के कढ़ाई में तड़का लगा देंगे, इसमें ज़्यादा देर तक साग को रख देंगे तो साग काला हो जाएगा। इसी वजह से फ्रेंड्स आप लोहे के कढ़ाई में तड़का मत लगाइएगा, इसको इसमें डाल दीजिएगा साग को काट के। उसके बाद में आप इसमें से, जब ये हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा, इसमें पक जाएगा, पानी सूख जाएगा, उसके बाद आप इसमें दूसरी कढ़ाई लेकर के उसमें तड़का लगा दीजिएगा लहसुन और मिर्ची का, उस तो ये काला नहीं होगा साग। देखिए कितना अच्छा है साग, बहुत ही स्वादिष्ट होता है साग। इसमें विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में फ्रेंड्स पाया जाता है। आप लोग साग को जरूर खाइएगा। ये सरसों, बेथुआ, सोवा, धनिया का पत्ता, मेथी इसमें मिला हुआ है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।